किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फ्रूट क्रीम बनाने सिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए फ्रेश क्रीम, यहाँ पर मैंने ली है, और साथ में आपको फ्रूट्स लेने। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे केले काटे हैं, 2 केले मैंने यहाँ पर लिए हैं, एप्पल छोटा छोटा का 1 एप्पल लिया है, और पाव भर मैंने यहाँ पर अंगूर लिए हैं। आप चाहे तो इसमें स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, ब्लैक ग्रेप्स भी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, बट मैंने जो सीजन के हिसाब से जो फ्रूट होता है वो मैंने यहाँ पर लिया है। और उसके बाद मैंने 1 कटोरी पीसी हुई चीनी ली है। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो आपके पास जो नॉर्मल चीनी है उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया, वो हमारी पीसी हुई चीनी ले। चलिए अब हम बनाना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रूट क्रीम बड़ी वाले टेट्रा लिया हुआ है। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे। आप फ्रूट क्रीम अपने हिसाब के, अपने तरीके के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 3-4 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो ये आपके ऊपर है। जब भी आप फ्रूट क्रीम खोलें तो हमेशा मिक्स कर खोलें, ताकि पानी पानी उसका ना निकले। पर मैंने इतनी सी फ्रूट क्रीम लेके, जो कि 3 लोगों के लिए मैंने सर्व के लिए। उसके बाद मैंने ये बीटर लेना है। मैंने यहाँ पर हैंड बीटर यूज़ करा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करिए। अब आइए हम इसको क्रीम को अच्छी तरह बीट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं यहाँ बीट कर रही हूँ। आप चाहे किसी इलेक्ट्रिक बीटर से यूज़ करते, यहाँ पर मैंने हैंड बीटर लिया है। अब देखिए हमारी ऑलमोस्ट ये बीट हो चुकी है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे जो पीसी हुई मैंने 1 कटोरी चीनी ली हुई है। मैंने यहाँ पर पाउडर वाली चीनी ली, जो कि मैंने घर पे पीसी है। उसके बाद फिर दोबारा से हम इसको बीटर को करेंगे, ताकि ये मिक्स हो जाए। ध्यान रखें हमें इसको धीरे धीरे करना, तभी हमारी ये थिकनेस आएगी। ये देखिए मेरी फ्रूट क्रीम कितनी अच्छी तरीके से बीट हो गई। इसकी निशानी ये है कि जब आप चीनी डालते हैं तो फ्रूट क्रीम का कलर येलो आ जाता है, इसका मतलब आपकी चीनी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गई है। चलिए अब हम इसके अंदर फ्रूट मिक्स करते हैं। पहले मैं इसमें यूज़ करूँगी एप्पल, जो कि मैंने छोटे छोटे डाइस में काटा हुआ है। ध्यान रखें एप्पल आप तभी काटें जब आप उसी टाइम फ्रूट क्रीम बनाएंगे, तो अगर आपका एप्पल काला पड़ जाएगा। इसकी एक टेक्निक होती है, एप्पल अगर ना काला पड़े तो उसके लिए आप हल्का सा इसके ऊपर नींबू निचोड़ेंगे तो आपका एप्पल कभी काला नहीं होगा। अब मैं मिक्स करूँगी बनाना। यहाँ पर मैंने 2 बनाना लिए हैं। बनाना को भी आपने छोटे छोटे पीसेस में काटना है। थर्ड फ्रूट मैं जो यहाँ पर जो ले रही हूँ वो है ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स। आप चाहे तो ब्लैक ग्रेप्स भी ले सकते हैं, बट मैंने सीजन के हिसाब से जो फ्रूट अवेलेबल हुआ वो मैंने मिक्स कर दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर सारे फ्रूट मिक्स कर दिए हैं। अब हम आइए इसको करछी की सहायता से हल्का हल्का इसको मिक्स करते हैं। ये बहुत ही जल्दी एक स्वीट डिश है। कभी भी घर पे कोई मेहमान आए तो आप जल्दी से ये चीज़ बना सकते हैं। प्लस ये बच्चों के लिए हेल्दी बहुत है। एक तो आपके अंदर क्रीम गई, प्लस सारे फ्रूट्स गए, नहीं तो बच्चे ऐसे फ्रूट्स नहीं खाते हैं। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही ताकत वाली ये हमारी फ्रूट क्रीम तैयार हुई है। आइए चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए मैंने 1 कटोरी बड़ी इसमें मैंने फ्रूट क्रीम डाली। अब आप इसको गार्निश के लिए, अब आप इसमें बादाम डाल लीजिए, किशमिश डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने बादाम छोटे छोटे डाइस करे हैं। अब मैंने इसको बादाम से ये मैंने डेकोरेट कर दिया है। देखिए हमारी कितनी ही जल्दी क्विक रेसिपी स्वीडिश बनी है। ये है हमारी फ्रूट क्रीम। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।